Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Annie Sharma. So in today's video, we are going to be seeing how I created this makeup look using the products which I've put for sale. So if you people watch the video and wish to purchase the products, DM me on my social media pages, my Instagram page. So to do this, you need to subscribe to my channel, share my video as far as possible, and follow me on my other social media networks. So without any further ado, let's get started. So to start with, I'm going to prime my face using Savannah Colors All Matte Primer. Second up, I'm going to use a darker color concealer in order to hide my dark circles. This is in the shade 03. This is from the brand Swiss Beauty, and please excuse me for the mirror. I'm going to hide the darker parts on my face, and I'm going to dab it on my face using a wet beauty blender. The beauty blender is also available at my salon. जो भी डार्क सर्कल्स है उनको मैं एक डार्कर कलर कंसीलर से हाइड कर लूंगी. आप देख सकते हैं इसके बाद कितना अच्छा हो गया है. अभी मैं मेरा मेरी जो के का फाउंडेशन लेने वाली हूँ इन द शेड 03, जो एक येलो कलर का फाउंडेशन है, और मेरी स्किन थोड़ी सी पिंकिश है तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर यूज़ करना पड़ता है फाउंडेशन में. तो ये मैं पूरे नेक और फेस पे लगा लूँगी. जस्ट लुक एट माई स्किन, कितना डिफरेंस आ गया है सिर्फ एक कंसीलर और फाउंडेशन के बाद. अभी मैं एक लाइटर कलर कंसीलर यूज़ करूँगी मेरे अंडर आइज़ को और हाईलाइट करने को. ये कंसीलर अंडर आइज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर, ऐसे जगहों पे जहाँ मुझे हाईलाइट करना उधर मैं लगा लूँगी. ये भी स्विस ब्यूटी ब्रांड का है. आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे सलून में मिल जाएंगे. जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी गाइस, मैंने एक ही बार डिप करके बाहर निकाला हुआ वो कंसीलर और मेरे काफ़ी एरियाज को उसने कवर किया है. अभी मैं मेरे रेगुलर हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे, दैट इज़ द अंडर आई, द फोरहेड, द ब्रिज ऑफ द नोज एंड द अपर लिप, ये एरिया पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाने वाली हूँ हाईलाइट और लिफ्टिंग देने के लिए. ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है. अब नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्रेस पाउडर. इसका साइज़ इतना बड़ा है कि ये मेरे हाफ फेस तक आता है. एंड इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये इसके अंदर जो स्पंज दिया है इससे मैं मेरी मेकअप सेट करूँगी, एंड देन माय फेस विल मेल्ट व्हेन आई स्वेट. ये भी प्रेस करके डैब डैब मोशन में पूरे फेस के ऊपर सिर्फ टैप करेंगे. ज़्यादा ड्रैग नहीं किया जाता है मेकअप को, सिर्फ टैप किया जाता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू माय अंडर आई एंड फुल फेस, अपर लिप और फोरहेड भी. अगला प्रोडक्ट है ये लिप और चीक टिंट. काफ़ी बार ब्लश और लिपस्टिक अलग अलग यूज़ करनी पड़ती है, तो एवरीडे मेकअप के लिए हम लोग ये लिप और चीक टिंट यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द वे यू अप्लाई इट. जिस जगह पे अपने को ये पिगमेंट चाहिए उस जगह पे ये प्रोडक्ट लगा के उंगलियों से अपन स्प्रेड कर सकते हैं. ये लिप पे, चीक पे, और काफ़ी लोग नोज़ और आई पे भी लगाना पसंद करते हैं. इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है और स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है. मैंने वीडियो में बहुत कम ब्रश यूज़ करने का ट्राई किया है, क्योंकि हर कोई ब्रश से मेकअप करना नहीं पसंद करता. सो आई हैव डन द मेकअप यूजिंग माय फिंगर्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करो, एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. And don't forget to subscribe to my channel. Just look at the glow I've got on my face after using the cheek and lip tint. अभी I'm going to use this highlighter. इसका first shade मैं use करूँगी मेरी nose के ऊपर, forehead और cheek के ऊपर. अब मैं इसको forehead के ऊपर लगा रही हूँ और उसको ऐसे fingers से spread कर रही हूँ. मैंने पूरे फेस पे हाइलाइटर सिर्फ मेरी फिंगर्स की हेल्प से लगाया हुआ है, विद नो ब्रश एट ऑल, और काफ़ी अच्छा लुक देता है ये हाइलाइटर. मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी कॉस्ट भी डाल दूँगी,
अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर करिए। नाउ आई एम गोइंग यूज दिस मस्कारा फ्रॉम द ब्रांड नियॉन। ये काफ़ी डेंस्ड एंड वॉल्यूमाइज्ड मस्कारा है। दिस इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ और काफ़ी कम कॉस्ट में है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे DM करिए। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। आप वीडियो देख रहे हो तो आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जल्दी अपनी YouTube चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट आप अंगोड़े यूज दिस लिपस्टिक जो कि मेरे सलोन में अवेलेबल है, जिसका डार्क कलर है, वाटरप्रूफ है और काफ़ी कम कॉस्ट में भी है। नाउ आई एम गोइंग टू माय ब्राउज। ये ब्राउ पेंसिल भी अवेलेबल है सेलिंग के लिए। दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या ना भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।